हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। और मैं मियू के लंडे में आ चुकी हूँ। मियू के लंडा मीन्स के मियू हॉस्पिटल के सामने ये इतनी अच्छी मतलब क्वालिटी में थी यार। और ऊपर से आपको कि आप लोग कहोगे कि यार इसमें तो इसको तो किसी ने पहना ही नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छी थी और मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। अगर मेरे पास पैसे होते ना तो आई 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 डोंट नो आई मैं क्या। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। और मैं मियू के लंडे में आ चुकी हूँ। मियू के लंडा मीन्स के मियू हॉस्पिटल के सामने ये मॉल बना हुआ है जिसमें सारे लंडे के कपड़े होते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंडे की कलेक्शन है यार, और इतनी अमेजिंग कपड़े हैं कि आप खुद देख के कहेंगे कि यार बहुत अच्छे कलेक्शन है। आप जो कपड़ों की कंडीशन देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो किसी ने टच ही नहीं किए। जो बाहरी कपड़े थे वो सारे ऐसे होते हैं जो रेनियों पे होते हैं, ये सारे कपड़े ऐसे होते हैं कि आप कहेंगे कि लंडे के हैं। पर ये जो मॉल्स के अंदर शॉप्स में लगे हुए हैं ये कपड़ों के कलेक्शन, एक तो कलेक्शन अच्छी है, दूसरा इतने अच्छे कपड़े हैं कि आप कहोगे कि बिल्कुल न्यू कपड़े हैं। ये शर्ट्स मैं देख रही थी और ये शर्ट्स बहुत अच्छी थी, बट मैं अभी इस टाइप की शर्ट्स नहीं पहनती। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों के लिए व्लॉग बनाने गई थी। जब मुझे कोई कहता है कि यार यहाँ चलो, तो मैं सोचती हूँ कि यार चली जाती हूँ, आप लोगों के लिए एक व्लॉग बन जाएगा अच्छा सा। तो इसलिए मैं गई और ये मुझे शर्ट बहुत अच्छी लगी यार। यहाँ पे एक ब्लैक शर्ट मैंने स्पेशल वो निकाल के देखी क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। ऊपर से उसका जो सारी पर्ल्स लगे हुए थे वो बहुत अच्छे लग रहे थे। और देन उसके बाद हम लोग अंदर शॉप में गए और शॉप में भी कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे थे यार। इतनी अच्छी अच्छी जैकेट्स थी और बच्चों के कपड़े, तो आप सोच रहे हो बहुत कमाल के। अगर आपको बच्चों के कपड़े चाहिए ना तो आप यहाँ चाहिए यार। आपको जो 24,000 में आपको ब्रांड से कम दो से तीन या तीन से चार आप लोगों को कपड़े मिलेंगे, वो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मेरी नज़र पड़ी एक जीन्स जैकेट पे, तो यार जीन्स जैकेट तो कमाल की थी। मतलब के बच्चों के लिए तो जीन्स जैकेट अमेजिंग थी, इतनी अच्छी मतलब क्वालिटी में थी यार। और ऊपर से आपको कि आप लोग कहोगे कि यार इसमें तो इसको तो किसी ने पहना ही नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छी थी और मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। अगर मेरे पास पैसे होते ना तो आई 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 डोंट नो आई मैं क्या कर लेती, मीन्स कि मैं इतनी शॉपिंग कर लेती है क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी थी चीज़ें यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको सारी शॉप दिखा रही हूँ। देन उसके बाद मुझे ना ये दो आंटियाँ बैठी थी यार, इन्होंने इतनी शॉपिंग की कि आपकी सोच होगी 24,000 की शॉपिंग इन्होंने हमारे सामने की। बट उसके बाद ये इन्होंने कहीं और भी की, लेकिन ये यूँ नहीं कहो कि मिडिल क्लास की नहीं थी, ये अपनी गाड़ी में आई हुई थी और इन्होंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की यार। बच्चों के ढेर लगा दिए थे कपड़ों। फिर उसके बाद मैं अभी भी इसी शॉप में खड़ी थी क्योंकि मेरी यार एनर्जी बिल्कुल लो हो चुकी थी, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था यहाँ पे। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं बहुत मतलब बहुत मुश्किल से यहाँ पे खड़ी हुई थी और आप सोच भी नहीं सकते कि मैं क्या क्या काम पीछे छोड़ के आई हुई थी यहाँ पे। और उसके बाद ये मैंने शॉप देखी तो यार मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी कि मीन्स टॉयस भी मिलती है लंडे बाज़ार से यार, और यहाँ तक कि लंडे बाज़ार से आपको ज्वेलरी भी मिलती है। तो ये टॉयस में देख रही थी, मैंने कहा चलो यार जो बच्चे नहीं ले सकते नई न्यू टॉयस तो वो यहाँ से आके बाई कर सकते हैं। देन उसके बाद जब मेरी नज़र पड़ी यार रिंग लाइट्स, ड्रायर, स्ट्रेटनर, कर्ल्स, हर चीज़ थी यार लंडे बाज़ार पे। पर हम ये नहीं कह सकते वो सही चलती हैं कि नहीं। तो यहाँ पे मेरी रूममेट्स ने मुझे एक बात बोली, अभी मुझे वो इतना याद नहीं आ रही, चले तो चाँद तक ना चले तो शाम तक, हाँ ये बात थी आई थिंक सो उन्होंने मुझे बोली। तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी कि यार क्या चीज़ है, मीन्स कि चले तो चाँद तक ना चले तो शाम तक, क्योंकि इनकी कोई आप गारंटी नहीं ले सकते ये चीज़ें चलेंगी या नहीं चलेंगी। बट कपड़े तो चलेंगे और कपड़े यहाँ पर बहुत बाहर के इंटरनेशनल ब्रांड्स के कपड़े आए हुए थे यहाँ पे। फिर उसके बाद हम लोग सारा देखते गए और उसके बाद ये ग्रीन जैकेट पर मेरी नज़र पड़ी यार, ये ग्रीन जैकेट बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। और यहाँ पे स्टूडेंट्स को मैंने इतना देखा, यहाँ तक कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के ऐसी लड़कियों को देखा जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हैं, बट वो लोग यहीं से कपड़े ले जाती हैं। और ये यूँ नहीं है कि यहाँ पे गरीब लोग सिर्फ आते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल, यहाँ पे अमीर लोग भी आते हैं। जैसे कि मैंने आपको वो दो आंटियाँ दिखाई थी, उन दो आंटियों से आगे भी मेरा वास्ता बढ़ा, मीन्स कि वो शूज़ वाली शॉप पे बैठी हुई थी, ऐसे शूज़ ढूंढ थी, मुझे लगा था उनकी फैमिली में बच्चे बहुत ज़्यादा है, वो ब्रांड से लेने की बजाय यहाँ से आके सारे पैसे यहीं पर, मुझे लगता है कि वो 1 लाख की शॉपिंग तो यहाँ से करके गई होंगी मस्ट। उसके बाद मैं यार ये कपड़े देखी थी जो कि मैंने नेट पर बहुत ज़्यादा देखे थे, बट ये बहुत लंबे थे तो मुझे नहीं आ सकते थे। तो मैं उनको कह थी कि यार ये उतार के दिखा दे, तो उन्होंने उतार के दिखाए लेकिन बहुत लंबे थे, लेकिन यार बहुत मोटे और बहुत गर्म कपड़े थे, मीन्स के बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और मैं आपकी सोच चुकी यार, मैं इधर उधर देख देख के मेरी आईज इतनी थक चुकी थी ना कि मैं कह रही थी कि यार बस कर दो, मैं थक गई हूँ। उसके बाद ये मैं आपको स्टफ दिखाई, ये वाला जो है ना यार बहुत मोटा था यार, मीन्स के मेरी अगर होता ना साइज़ का ये वाला तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये वैसे लॉन्ग शर्ट थी।
देन उसके बाद हम लोगों ने इनसे हमने इन्होंने हमें प्राइस भी बहुत ज़्यादा बताए थे। आपको सोच होगी कि हमें 2000 या 2500 के आ रहे थे एक शर्ट का। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि यार हमने तो यहाँ से लेनी नहीं, हम तो जस्ट देख रहे थे, विंडो शॉपिंग थी। तो ये हमें बुलाते रहे पीछे से कि यार मैम आप आके सुन तो लें, बात तो सुन लें, रेट कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। मैंने कहा हमने लेनी ही नहीं है, हम जस्ट देख रहे थे। तो देन उसके बाद हम लोग आगे आ चुके थे, और आगे मैं आपको बताती हूँ, आगे ये शॉप आ चुकी थी। मैं पूरा ये पूरा एक किस्म का समझ लें मॉल था, और उसमें इतने कपड़े थे यार, आपकी सोच होगी। मेरे साथ मेरी रूममेट्स आई हुई थी, और उसके बाद हम लोगों ने ये एक शॉप मुझे नज़र आई, यार ये तो बहुत बड़ी शॉप थी। और मैं आगे आपको दिखाती हूँ, बच्चों के रैम्पर्स थे, एंड देन यार बहुत मज़े के थे। मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था ना कि मेरा अपने साइज़ के कपड़ों से ज़्यादा मुझे हो रहा था कि यार बच्चों के कपड़े ले जाओ, लिए जाओ, लिए जाओ, इतने अच्छे थे। यहाँ पर ये बच्चों के आप कपड़े देख रहे होंगे, फुल न्यूज़ थे, तभी तो अमीर लोग भी यहाँ से लेने आते हैं। उसके बाद मैंने एक और लड़की को देखा था जो कि बहुत अमीर थी, अभी लग रही थी, और अच्छी कैसी कंडीशन में थी और मॉडर्न थी, बट वो अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे अपने बच्चों के लेने आई थी। और जो वो बच्चों की शर्ट्स देख रही थी वो बहुत अच्छी शर्ट्स थी, और ये मैंने भी उठा के देखा, तो यार ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो हमारी फैमिली में कोई जिससे छोटा बच्चा है नहीं, एक है लेकिन उसकी मदर उसको नहीं पहनाती ऐसे कपड़े, तो इसलिए हम लोग नहीं लेते यहाँ से। नहीं, मैं चेक की शर्ट देखी थी, बट आजकल मैं जो चेक की शर्ट देख रही हूँ सबके नीचे वूल लगी है, क्योंकि ये विंटर की हैं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एक हुडी देखी थी यार, वो मैंने कैप्चर नहीं की, वो इतनी अच्छी हुडी थी, बट मसला ये था कि वो साइज़ में छोटी थी, और मैं छोटे साइज़ की हुडी उसने लेना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मुझे यूनि में वेयर करना था उसको, तो इसलिए मुझे था कि थोड़ी सी लॉन्ग हो, बट नहीं लॉन्ग थी। उसके बाद हम बाहर निकले, और ये मेरी नज़र पड़ी इस जीन्स वाली जैकेट पर, जो कि मेरे साइज़ की थी, बट मैंने ली नहीं क्योंकि मैं पैसे लेके नहीं गई हुई थी, और मेरा कोई ऐसा प्लान भी नहीं था अभी शॉपिंग का। देन उसके बाद हम लोग सारे, मेरी जो रूममेट्स हैं इन्होंने काफ़ी कपड़े लिए थे, तो इसलिए वो देख रही थी। तो देन उसके बाद हम लोगों ने, यार वो जब लेके आई थी ना, तो मैं देख के शॉक हो गई थी कि यार वाकई ही बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे पठान होते हैं, पठान इतनी प्राइसेस आपको बताएंगे ना स्टार्ट में कि आप कहोगे कि यार मैं लेते हैं, मीन्स के लंडे को भी इन्होंने महंगा कर दिया है। तो पहले लंडा बहुत सस्ता होता था, लेकिन अब जैसे जैसे महंगाई आ गई है तो लंडा भी महंगा हो चुका है। और उसके बाद मैं आपको सारी कलेक्शन दिखाती हूँ, यार बहुत अच्छी थी। और मैंने ना एक चीज़ पीछे ब्लू कलर की आप देखेंगे इस टाइप की, मुझे था कि अगर कोई अच्छी चीज़ मिलती ना तो मैं लेती, बट यार मैं जब यहाँ पे बच्चों की जीन्स की जैकेट्स देखी तो बहुत अच्छी थी। मेरा मन कर रहा था कि काश मेरी सिस्टर कहती कि मुझे अपनी बेटी की लेना, तो मैं ले आती, देन वो वेयर नहीं करवाती लंडे के, तो इसलिए मैंने नहीं लिए। देन ये हम शर्ट्स देख रहे थे, मेरी रूममेट्स की फ्रेंड थी साथ, उसने कहा मैंने अपने भाई के लिए लेनी है, तो यार ये तो बिल्कुल न्यू है, आप खुद देख के शॉक हो रहे होंगे ये न्यू ही है। तो आप इतना, मतलब इस चीज़ में आपको इतना शर्मिंदा नहीं होना चाहिए कि यार हम लंडे का ले रहे हैं। और यहाँ पे मेरी एनर्जी बिल्कुल लो हो चुकी थी, बिकॉज क्योंकि मेरा कल फाइनल है और मैं यहाँ पे लंडे पे फिर रही हूँ, तो आप लोग भी ये ब्लॉग देख के हो रहे कि यार ये लड़की क्या है, इसका फाइनल है और यहाँ पे ये लंडे पे बैठी हुई है, तो यार बस आना पड़ा। इन्होंने मुझे फोर्स किया, तो मैंने कहा चलो चलती हूँ। फिर मैंने आप लोगों, मेरे माइंड में चॉइस आया कि यार व्लॉग बना लूँगी, तो मैं व्लॉग की नीयत से आ गई। और मैं यहाँ पे बहुत थक चुकी थी, और ये अंकल मुझे कह रहे थे कि यार आप लेक्चर दे रही हैं, क्या कह रही हैं, व्लॉग बना रही हैं। मैंने कहा व्लॉग बना रही हूँ। लेकिन यहाँ पे जिसको भी लगता था ना कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, कैमरा ऑन किया हुआ है, तो उसको होता था कि यार मेरी शॉप में आओ, मेरी शॉप में आओ। तो ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि इच्छा बाजार में गई थी, तो बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। पोर्शन में आ गए थे, और शूज़ पे बहुत अच्छे थे यार। यहाँ पे मेरी एक नज़र एक पिंक शूज़ पे पड़ी, लेकिन शूज़ तो छोटे साइज़ में थे, और यहाँ पे शूज़ की भी कलेक्शन बहुत अच्छी होती है, बट ना मुझे पता नहीं कि उनके अंदर से नहीं अच्छे लगते कि अंदर से पता नहीं कैसे होंगे। और उसके बाद मेरी एक नज़र पड़ी ब्लैक और ब्राउन पे, तो ये भी बहुत अच्छे थे यार, ये बहुत अच्छे थे, बट इसके अंदर से शायद थोड़ी सी ठीक नहीं थी। अब हमारे इसमें बताऊँ तो लंडे पर हमारे साइज़ के तो शूज़ मिल ही नहीं रहे थे, बहुत कम कोई मिल जाए तो आपको। तो उसके बाद हम लोगों ने जब ये सारा देख लिया, तो यार ये भी सबसे पहले आपको पता है क्या प्राइस बताएंगे, 2500 3500, देन वो आप पे है कि आप कितना कम करवाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कमेटी वाले आ गए थे, रेट पड़ चुका था और लोग बेचारे भाग रहे थे, और काफ़ी चीज़ें उनके उठा के लेके जा चुके थे। और ये लड़का बार बार देख रहा था कि ये लड़की कुछ तो कर रही है, और मैं ब्लॉग बना रही थी, और यही था मेरा ब्लॉग। मेरा ब्लॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़।